मेरा पुराना फ्रेंड रोहन, मगर रोहन नाम का तो मेरा कोई दोस्त है ही नहीं। लेकिन ये क्यों पूछा तुमने मुझसे? बोलो ना रीता, ये रोहन की बात आई कहां से? क्योंकि जब मैंने माजी से पूछा कि उनको माया का नंबर कहां से मिला, तो उनका जवाब था कि आपके किसी फ्रेंड रोहन ने उन्हें दिया। माँ ने मुझे बचाने के लिए जिग्नेश के नाम की जगह रोहन बोल दिया होगा। अब आप ही जवाब दीजिए, अगर रोहन नाम का आपका कोई फ्रेंड है ही नहीं, तो उन्होंने मुझे ऐसे क्यों कहा? हाँ वो क्या है ना रीता, कि इतने सालों से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई ना उससे, इसलिए मुझे याद नहीं रहा। हाँ लेकिन अब मुझे याद आ गया, माँ ने ना माया का नंबर उसी से लिया होगा। रीता, तुम कहीं मुझ पे फिर से शक तो नहीं करने लगी हो ना? अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं जानता हूं कि तुम मुझ पे शक नहीं करोगी अब। तुमने प्रॉमिस किया था ना? है ना? नहीं तोड़ोगी ना अपना प्रॉमिस? देखो रीता, हमने डिसाइड किया था ना कि हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा। दोगी ना मेरा साथ? ओह, शार लेके आता हूं। रीता, हाँ? अब तो कोई शक नहीं है ना? क्या बात है, आज तो बड़ा बंधन के निकले हैं आप। वैसे ये शर्ट आपने काफी दिनों बाद पहनी है ना? जरूरी काम है? हाँ वो भाई तीनों कहने लगे कि मैं आजकल थोड़ा एजेड लगने लगा हूँ, तो मैंने सोचा शर्ट पहन के जरा यंग फीलिंग आएगी, थोड़ा अच्छा लगेगा। और ये शर्ट याद है ना, टाइट हो गई थी तो मैंने अंदर रख दी थी, तो आज एक्सरसाइज किया, कसरत की, तो देखो फिट आ गई बिल्कुल। एक दिन कसरत कर लेने से साइज कम नहीं होता। शर्ट अभी भी टाइट ही है। नहीं भी टाइट नहीं है, ठीक है वो। प्लस अभी पूरा दिन चलूंगा फिरूंगा, कैलोरीज बर्न होती हैं, वो फिट हो जाएगी शाम तक, देखना एकदम। वैसे क्या बात है, तुम इतनी खुश की लग रही हो, चमक रही हो। हाँ वो खुशखबरी देने ही तो आपको आ रही थी, चाची और मैं। हो गया ना, तुम दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया, वेरी गुड। हाँ आपको कैसे पता? अरे तुम्हारी शक्ल देखो, यू आर ग्लोइंग, खुश हो, मुस्कुरा रही हो तुम। तो लेकिन ये तो सुन लीजिए कि ये गलतफहमी दूर कैसे हुई। नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये मुझे नहीं सुनना है, ये लंबी कहानी में मैं नहीं घुसूंगा। गलतफहमी दूर हो गई, बहुत अच्छा हुआ, अब मैं चलता हूं। लेकिन मुझे माफी मांगने का एक मौका तो दीजिए। किस बात की माफी? मैंने चाची के बारे में इतना गलत सोचा और आपको भी चोट पहुंचाई, मुझे माफ कर दीजिए। करेंगे ना मुझे माफ? तुम्हें मैं माफ कर दूंगा क्या? कर दिया, पर तुम भी मुझे माफ कर दो एक चीज के लिए। क्यों? अरे वो तुम इतने दिनों से रीता और मम्मी के चक्कर में लगी हुई थी, तो कलर सिलेक्ट नहीं कर पा रही थी पूना के घर का। मैंने कलर सिलेक्ट कर दिया है और काम शुरू भी हो गया है, बट डोंट वरी,
तुम्हारे पसंद का ही रंग सिलेक्ट किया है। लेकिन मैंने लेकिन वेकिन कुछ नहीं, माफी लो, माफी दो, एक हाथ दो, एक हाथ लो, इट्स अ डील। पूना जाने की तैयारी कर दो, दो तीन दिन में चलेंगे। हाँ मैं जानता हूं कि तुम मुझ पर शक नहीं करोगे, अब तुमने प्रॉमिस किया था ना, मैं जानता हूं कि तुम अपना प्रॉमिस तोड़ोगे नहीं। बिना सबूत के तुम्हें किसी की भी बात का विश्वास नहीं करना चाहिए, खुद की तसल्ली खुद करनी चाहिए। मैं क्या करूं अंबे मां, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप ही कोई रास्ता दिखाइए ना, जो भी सच है वो एक बार में मेरे सामने क्यों नहीं आ जाता। जरूर उसके हस्बैंड ने मारा होगा उसे, पता नहीं कैसा कमीना इंसान है वो। सोशल नेटवर्किंग साइट पे चेक करता हूं, माया ने अपनी पिक्चर्स तो पोस्ट की होंगी शादी की, जरा देखो तो सही पति है कौन इसका। कमाल है, माया को तो अपनी फोटोज पोस्ट करने का बहुत शौक है, हस्बैंड की या शादी की एक भी पिक नहीं है इसमें। और ये क्या, माया ने अपना रिलेशनशिप स्टेटस कॉम्प्लिकेटेड डाला हुआ है, वो तो मैरिड होना चाहिए था। इसका मतलब है कि माया की उसके हस्बैंड के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन क्या ट्राइंग स्ट्रीट फूड फॉर ब्रंच At my favorite joint. ये तो 5 मिनट पहले का स्टेटस है। जाऊं कि ना जाऊं? अभी निकलूंगा तो 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। क्या करूं? जाता हूं। कहाँ जा रहे हैं? वो मैं मार्केट जा रहा हूँ। मार्केट क्यों? वो मेरे हैंड्स ही खराब हो गए ना, तो बस वही लेने जा रहा हूँ। लेकिन वो तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ना? अरे रीता क्या हो गया तुम्हें यार, इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हो? अब क्या मैं अपने आप मार्केट भी नहीं जा सकता? क्यों अपनी लाइफ में जहर घोल रहा है? याद नहीं पिछली बार पकड़ा गया था तो क्या हालत हुई थी तेरी? रीता रुको,
इधर आओ। नाराज हो गई क्या? अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। अब तुम्हें मुझसे जितने भी सवाल पूछने हैं ना, तुम पूछ सकती हो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। चलो अब एक प्यारी सी स्माइल दे दो। देखो, अगर तुम मुझे एक प्यारी सी स्माइल दोगी ना अभी, तो मैं तुम्हें रात को तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले जाऊंगा। ये बात मत जाना निरंजन, मत मुसीबत खड़ी कर अपने लिए। मुझसे नहीं रहा जा रहा है माँ। माँ, मैं बस एक आखिरी बार जा रहा हूं, उसके बाद नहीं जाऊंगा माँ, प्रॉमिस। पति तो समझने के लिए तैयार नहीं है। एक काम करती हूँ, बेटे को ही फोन करके मदद के लिए बुला लेती हूँ। नानी, फोन बात करना। अब ये ले गिटार। हेलो मॉम। कैसा है मेरा बेटा? हाँ मम्मी, क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? तेरी याद आई इसलिए तुझे फोन किया। उदय, थोड़े दिन के लिए अपनी मम्मी को मिलने आ जाना। अरे नहीं नहीं मम्मी, आपको तो पता है ना, अभी पॉसिबल नहीं होगा। वो कॉलेज में है, अटेंडेंस रूल काफी स्ट्रिक्ट हो गया है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। अब और क्या हुआ? क्या और ये कैसे बात कर रहा है? आज मेरी तबीयत के बारे में भी नहीं पूछा, अपने पापा के बारे में भी नहीं पूछा। जल्दी में है क्या? नहीं नहीं मम्मी, मैं ना अभी मैं क्लास में हूँ, इसलिए मैं ज्यादा बात कर नहीं पाऊंगा। मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ओके बाय। हमेशा यही कहता है लेकिन फोन तो करता नहीं है। मम्मी मैंने कहा ना, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ मैं कॉल करता हूँ, बाय। उदय, अपने पापा पे ही गया है, सुनता ही नहीं है। तू पागल है क्या? तू दो मिनट चुप नहीं बैठ सकता? अगर मॉम सुन लेती तो? वो तो सुनने और लेटर पता चलना ही है। तेरी फैमिली भी तो मुंबई में ही है, आज नहीं तो कल तो देख ही लेंगे। 15 दिन से तो किसी ने देखा नहीं और आगे भी कोई नहीं दिख पाएगा। भाई आगे का ठिकाना क्या है? जेब में पैसे नहीं है, किचन में राशन नहीं है, 2-4 दिन में लैंडलॉर्ड आके खड़ा हो जाएगा। और भाई वो प्रॉब्लम करेंगे क्या यार? इसी बात की तो फ्रस्ट्रेशन है। इतने सालों से पेरेंट्स से चुरा चुरा के पैसे जमा किए और लास्ट में गवर्नमेंट ने सारे पैसे बैन कर दिए, सब गार्बेज हो गया। बैड लक, किस्मत ही खराब है मेरी। चल यार, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। तू एक काम क्यों नहीं करता, तू अपने घर घूम। तेरी फैमिली घर से इतनी रिच है, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट तो हो जाएगा। भाई मुझे ना तुझे बहुत गुस्सा आ रहा है माया, तू मार कैसे खा सकती है? अरे अचानक थप्पड़ मारा उसने, मैं क्या करती? It was so unexpected, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। लेकिन फिर मैंने भी ना पलट के उसे जोर का चाटा लगाया, हमेशा याद रखेगा। So sad यार, एक महीने पहले तो कितनी खुश थी। It's okay, तू sad feel मत कर, शायद मेरे stars में कोई problem है, इसलिए तो दोबारा गलत आदमी को पसंद कर लिया मैंने। पसंद तो तूने तेरे ex boyfriend को किया था ना, और ये तो तेरी arrange marriage हुई है ना? हाँ, सोच समझ के ही पसंद किया था, लेकिन मुझे थोड़ी पता था ये आदमी शादी के बाद अपने रंग दिखाएगा। तभी तो कह रही हूँ, या तो मेरे स्टार्स में ही कोई गड़बड़ है, या तो खुद मेरी पसंद में। ऐसा मत बोल माया, I feel so bad for you। छोड़ ना ये डिप्रेसिंग बातें, डाबली खाते हैं, ओके? भैया 2 डाबली देना, एक्स्ट्रा मक्खन और 10 पार्सल। हाँ, मेरी वजह से दाबेली सबको पसंद आ गई है, ऑफिस में फेवरेट हो गई है सबकी, देखते ही टूट पड़ेंगे सब।
डर मत निरंजन, लास्ट टाइम आया है तो जी भर के देख ले उसे। और फिर ये मार्केट है, उसने देख भी लिया तो कोइंसिडेंस ही समझेगी। ये लीजिए मैडम। एक बात बता माया, क्या तू कभी उसे माफ कर पाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता मैं उसे कभी भी माफ कर पाऊंगी। वो मेरे दिल से पूरी तरह से गिर चुका है। क्या ये मेरी बात कर रही है? अब चाहे वो लाख कोशिश कर ले, मैं उसके पास वापस कभी नहीं जाऊंगी। नहीं रह पाऊंगी? ये मेरे बारे में नहीं हो सकता। कहीं अपने हस्बैंड की बात तो नहीं कर रही है? जब उसने मुझ पे हाथ उठाया, वो उसी वक्त मेरे दिल से पूरी तरह से गिर चुका था। बस अब सब खत्म। मेरा शक सही निकला, हस्बैंड के साथ इसकी सीरियस प्रॉब्लम चल रही है। रीता, मैं तुझे सलाड काट के देती हूँ। हाँ, माँ जी। हाँ, आप माया से कहाँ मिली थी? उसके घर गई थी क्या? आप उसके घर गई थी माँ जी? क्या आपको उसका घर पता है? रीता, मैं उसके घर नहीं गई थी, मैं उसे स्वदेश रेस्टोरेंट में मिली थी। स्वदेश रेस्टोरेंट, ये नाम कुछ सुना हुआ सा है, कहाँ सुना था? बुड़ी के राइट साइड में जो रेस्टोरेंट है वही है ना स्वदेश? चल ठीक है, थैंक्स। माँ जी माया को स्वदेश रेस्टोरेंट में मिली थी। माँ जी और निरंजन दोनों उस शाम स्वदेश रेस्टोरेंट गए थे, लेकिन जिस रात निरंजन घर नहीं आए, तब माँ जी ने कहा था कि उनकी सहेली के घर हैं। माँ जी ने उसी की अगली सुबह मुझे कहा कि वो माया से मिली थी, लेकिन शाम को तो माँ जी ने कहा था कि वो अपनी सहेली से मिलने गई थी। कहीं वो सहेली माया ही तो नहीं? तो क्या निरंजन पूरी रात माया के साथ थे? तुम यहाँ भी आ गए? अरे माया, तुम यहाँ? वही है ना तेरा एक्स? हाँ, लेकिन अभी कुछ मत बोल, मैं तुझे बाद में बताती हूँ। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? तुम्हारा पीछा? मैं क्यों करूंगा तुम्हारा पीछा? मैं तो बस यहाँ पे ऐसे ये सेब पूरी खरीदने आया था, रीता ने मंगवाई थी। और फिर मुझे कैसे पता कि तुम यहाँ आने वाली हो? मैं क्या कोई अंतर्यामी हूँ? ठीक है, जाओ अपनी सेब पूरी का काम करो। भैया पार्सल रेडी है? थैंक यू। कितना हुआ? ये लीजिए। अरे मैडम, नोट नहीं, छुट्टे दीजिए। भैया मेरे पास छुट्टा नहीं है, मेरे पास यही है। अरे मैडम, छुट्टे की मारामारी चल रही है, छुट्टे मिल नहीं रहे। आप चेक कीजिए ना, कहीं से किसी से पूछ लीजिए। अरे मैडम, सुबह से दो तीन बार ट्राई कर चुके, नहीं मिल रहे छुट्टे। है तेरे पास छुट्टा? मेरे पास तो सिर्फ कार्ड है। भैया इसके पास भी सिर्फ कार्ड है, आप किसी से पूछ के देखिए, आपको मिल जाएगा। मैडम जी, मेरे पास भी छुट्टा नहीं था, आपको जरूर देता। अब मैं कहाँ से ला कर दूँ आपको? एक काम करो, आप पार्सल कैंसिल कर दो। वो तो बन गया, अब कैंसिल नहीं हो सकता, खराब हो जाएगा। आप 240 रुपए दीजिए ना। भैया ये लीजिए, इनके 240 रुपए। नहीं भैया, आप इन्हें पैसे वापस कीजिए, हमारे साथ नहीं है, मैं आपको कल दे दूंगी। जाने दो ना माया, बेचारा गरीब आदमी है, कल तक क्या करेगा? मैडम जी लेने दो ना, बच्चों के काम आएंगे, आजकल धंधा भी बहुत ठंडा चल रहा है। हाँ हाँ माया, लेने दो, तुम मुझे बाद में लौटा देना बस। ठीक है, कल ऑफिस में आके ले लेना, मुझे तुम्हारी कोई उधारी नहीं चाहिए। ओके माया, पैसे से? वैसे भी ना ये पैसे मेरे बहुत काम आ जाएंगे, छुट्टे की बहुत प्रॉब्लम चल रही है ना। चल। अरे बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने करेंसी नोट चेंज करके।
मुझे माया से मिलने का मौका मिल गया दोबारा। यस। रीता के मन में सवाल मैंने ही पैदा किया है चाची, मैंने ही उसके दिल में शक डाल के बहुत गलत किया है। तूने इसे बुरी नीयत से तो नहीं किया था ना? लेकिन चाची, कहीं शक की वजह से निरंजन और रीता के बीच फिर से दरार ना आ जाए। तो चिंता मत कर गायत्री, माँ अम्बे कुछ बुरा नहीं होने देगी। मुझे ये बता, उदय का फोन आया था? नहीं आया। इस बार भी उसने ये कह के बात टाल दी कि बाद में फोन करता हूँ, पढ़ाई में बिजी होगा। 24 घंटे तो पढ़ाई में बिजी नहीं हो सकता ना चाची। आजकल उसका बर्ताव बहुत अजीब सा होता जा रहा है, काफी समय से देख रही हूँ। पता नहीं इस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है। हो सकता है उसे अब अपनी माँ की परवाह ही नहीं है। और उसके बाप को अपनी माँ की परवाह नहीं है, तभी तो परिमल ने जाने का बंदोबस्त भी कर लिया और मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। चाची आप समझाइए ना इनको, मैं आप सबको छोड़ के नहीं जाना चाहती, और चाचा जी के आने से पहले तो बिल्कुल भी नहीं। बेटा, तेरा बेटा जैसे तेरी नहीं सुनता है, वैसे मेरा भी बेटा मेरी नहीं सुनता, लेकिन फिर भी मैं उसे समझाने की कोशिश जरूर करूंगी।